अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। घर, ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल की कंप्लीट सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के लिए लगवाएं शाहान विजन सॉल्यूशंस के CCTV कैमरास, वो भी कम दाम में। आज ही कॉन्टैक्ट करें 7857934410। बड़ी खबर सिवान से आ रही है, जहां सिवान के बसंतपुर में एक होटल व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बसंतपुर थाना क्षेत्र के जानकी नगर बाजार में एक होटल व्यवसायी की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मृतक गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र स्थित मठिया हाता निवासी बंका भगत बताया जा रहा है। मृतक लगभग 14 वर्षों से जानकी नगर बाजार पर होटल के व्यवसाय से जुड़े हुए थे। तभी शुक्रवार की देर रात लगभग 10 बजे करीब अपराधियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी है। तो बड़ी खबर आप बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर देख रहे हैं, जहां सिवान के बसंतपुर थाना क्षेत्र स्थित जानकी नगर में एक होटल व्यवसायी की गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मृतक गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के मठिया हाता निवासी बंका भगत थे, जिनकी उम्र 55 वर्ष थी। मृतक लगभग 14 वर्षों से बसंतपुर थाना क्षेत्र के जानकी नगर बाजार पर होटल के व्यवसाय से जुड़े हुए थे, अपना होटल चला रहे थे। शुक्रवार की देर रात करीब 10 बजे के आसपास अपराधी आए और उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बसंतपुर थाना से लेकर आए हैं, क्या कुछ मामला पता चला है? पता चला 10 बजे की जानकी नगर बाजार पर गोली लगी है। क्या कुछ पता चला है, कहाँ के है ये? तो अभी तो पता नहीं चला, इसमें छापामारी कर रहे हैं बड़े। क्या लग रहा है, किसी को गिरफ्तारी भी हुआ है क्या? ये अभी तो हम नहीं बता सकते हैं, पर छापामारी करने के साथ घूमे हुए हैं। बाजार में ही घटना हुआ है? हाँ, एक छोट मोट बाजार है, वहाँ पे कई होटल वोटल खोलते रहते हुए थे, उसी तरह अपराधी ने गोली मार दी। ठीक है, अपना नाम बताइए। प्रमोद कुमार यादव, कुचायकोट थाना के मठिया हाथा गांव है, वहां के रहने वाले व्यक्ति थे, जिनका अपना होटल बसंतपुर थाना के बगल में जानकी नगर बाजार पड़ता है, वहां इनका होटल था अपना। इसमें ये 4-5-6 लड़के आए हैं और इनपे दबाव बनाए कि अपना जो बर्तन है वो हमको दीजिए। ये असमर्था जताते हुए बोले कि हम नहीं दे सकते, तो जबरदस्ती वो लोग बर्तन ले गया है। अब फिर रिटर्न आया है 5-7 के संख्या में, और अंदर 2 आदमी गया है, इनके साथ एक छोटा लड़का था, अंदर गया है, लाइट नहीं था, लेकिन जैसे गोली मारा है उससे लाइट आया है। वो लड़का देखा है कि 2 आदमी ये लोग गोली मार के भाग रहा है, लाल मोटरसाइकिल है ग्लैमर, और कुछ लोग बाहर पहले से खड़े थे। इसमें 5-6 लड़के की गिरफ्तारी भी हुई है, बड़ा बाबू के माध्यम से जानकारी मिली है कि 5-6 लोगों की गिरफ्तारी हुई, हम लोग रात में गए थे वहाँ। अब बस क्या लगता है, इस बर्तन लेने का? हाँ, बर्तन लेने का ही मैटर है, इसी के चलते हत्या हुआ है। ये स्माइक उस्माइक पीने वाले सब बच्चे हैं, और सबका उम्र 20 के अंदर ही है। मृतक का क्या नाम? मृतक का नाम बंका भगत नाम है उनका। कितना उम्र है? उम्र उनका 55 साल होगा। ठीक है, अपना नाम बताइए। हमारा नाम राजू कुशवाहा हुआ, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा उपाध्यक्ष। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार के कैंसर की बीमारियों में सफलता पूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।